हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन जापान। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ डोंट स्कीप दिस वीडियो, प्लीज़ लिसन केयरफुली, क्योंकि ये आपके लिए है जो जापान आना चाह रहे हैं। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, स्कीप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। तो मैं आपको बता दूँ, काफ़ी लोगों के मन में एक सवाल पैदा हो रहा है कि न्यू एंट्री स्टार्ट होने वाली है, लेकिन हमने तो इन तीनों में से कोई भी वैक्सीन को नहीं लगाया है, तो हमारी एंट्री कैसे होगी। यानी कि उन्होंने मॉडर्ना चूँकि इंडिया में है नहीं, एस्ट्राजेनिका इंडिया में है नहीं, और जो है फाइजर भी इंडिया में नहीं है, तो उनके पास जो एक ऑप्शन था कोविडशील्ड, कोवैक्सीन तो बिल्कुल अप्रूव नहीं है, काफ़ी कंट्रियों के लिए तो अप्रूव नहीं है, लेकिन होपफुली वो भी आगे चल के हो सकता है। लेकिन कोविडशील्ड ज़्यादातर अप्रूवल उन्हीं को मिल रहा है, यूके से और भी कई देशों से उनको जो है अप्रूवल मिला हुआ है। तो बहुत लोगों के मन में सवाल ये पैदा हो रहा है दोस्तों कि क्या कोविडशील्ड का अप्रूवल जापान ने दिया है या नहीं दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि जापान ने ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है कोविडशील्ड को लेके, लेकिन WHO ने जो है उसे अप्रूव किया हुआ है, बिकॉज ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जो है एस्ट्राजेनिका दोनों का मिक्सअप है, कोविडशील्ड ये आप लोग को भी पता होगा। तो ये दोस्तों अप्रूव्ड है, आपने अगर कोविडशील्ड का दोनों डोज लिया हुआ है तो आप जापान आने के लिए इलिजिबल हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि मुझे मेरे सोर्सेस से पता चला है कि अगर आपने कोविडशील्ड लिया है तो आप जापान आ सकते हो। तो ऐसा कोई भी शंका अपने मन में मत रखो कि आप जापान नहीं आ सकते हो अगर आपने तीनों में से कोई वैक्सीन नहीं ली है, आप आ सकते हो, मतलब कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो न्यू एंट्री जब भी स्टार्ट होगी, जिन्होंने कोविडशील्ड को ले लिया है तो उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि वो जापान आ सकते हैं। हाँ, ये होगा कि उनका जो क्वारंटीन का जो सिस्टम होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मतलब एक या दो दिन का फर्क होगा, इसमें कोई मायने नहीं रखता। यानी कि 10 दिन 14 दिन वाला जो निकला है उसको शायद 3 दिन करने का प्लान कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ नहीं कर सकते आप, वो एक गाइडलाइंस स्टार्ट होगी, मतलब जब न्यू एंट्री स्टार्ट होगी उससे पहले गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा, उसकी एक अलग गाइडलाइंस बनेगी। जब वो गाइडलाइंस बन जाएगी तो मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो रखूंगा पूरी गाइडलाइंस की, उस वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को पूरी गाइडलाइंस का पता चलेगा दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन अबाउट थी कि न्यू एंट्री जब स्टार्ट होगी तो जिन्होंने कोविडशील्ड लिया हुआ है वो आ पाएंगे कि नहीं, उनकी न्यू एंट्री हो पाएगी कि नहीं। तो यस, इसका आंसर है यस, अगर आपने कोविडशील्ड लिया है तो आप इंटर कर सकते हो जापान। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन थी कोविडशील्ड के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में थंब दे दीजिएगा।